हेलो दीपक केरकर दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि हमारे जिंदगी में हमको जो परिणाम मिलते हैं, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, वो कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड है, कौन सी चीज के ऊपर वो निर्भर है। जैसा हम आउटकम को यदि वो देखते हैं, आउटकम मतलब को, तो इवेंट्स मतलब जो भी वातावरण में हो रहा है, इवेंट घटना, इवेंट प्लस हमारा रेस्पॉन्स, हम उसको कैसा रेस्पॉन्स देते, हम उसको कैसे रिएक्शन देते, हम उसको कैसे प्रतिक्रिया देते। तो घटना अधिक प्रतिक्रिया, उसके ऊपर परिणाम निर्भर है। अब घटना देखो, हमारे एक तो क्या होता है कि हमारे वातावरण में अनेक घटना होती रहती और उसको हम प्रतिक्रिया देते रहते। यदि हमको ये अच्छे आउटकम चाहिए, और अच्छा आउटकम हमको कौन से चाहिए, हमको चाहिए कि हमको सफलता मिलना चाहिए, हमको इनकम बढ़ाने का है, हमको हमारा बिजनेस ग्रो करने का है, हमारे हमारे जो रिश्ते हैं बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, दोस्तों के साथ में, वो अच्छे करने के है, हमारे हमको टाइम मिलता नहीं है तो वो टाइम कैसे मिला, मतलब फ्रीडम ऑफ टाइम, या हमको हमारी कोई हॉबी है उसके लिए टाइम मिलता नहीं है, हमारा एजुकेशन है, शिक्षा हमको लेने की है, या बच्चों की शिक्षा, मतलब जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, हमको बड़ा दुकान खरीदना है, मकान खरीदना है, या और कोई बड़ा काम करने का है, तो जो भी आपको काम करने का है, जो भी आपको चाहिए, हमको आपको खुशी चाहिए, आपको मजा करना है, मजे करना है जिंदगी में, पिकनिक जाना है, घूमने फिरने जाना है, देश प्रदेश घूमने का है, जो भी आपको चीजें चाहिए, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, जो भी आपको परिणाम चाहिए, वो परिणाम घटना कौन सी होती है वातावरण में, आप उसको रेस्पॉन्स कैसे देते हो उसके ऊपर है। तो भी आप क्या कर सकते हैं कि हमारी चाहत जैसे परिणाम हमको नहीं मिलते, वैसे हमको सफलता नहीं मिलती है, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते है, तो हम घटनाओं को दोष देते ढूंढते रहते हैं, घटनाओं को दोष देंगे, तो वातावरण खराब है, लोग अच्छे नहीं है, लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत है, पैसा मिलता नहीं है, बैंक फाइनेंस करती नहीं है, मार्केट बहुत टाइट है, या अभी मंदी चालू है मार्केट में, या बहुत गर्मी है, या बहुत बारिश हो रही है, या मतलब लोग मुझे कोऑपरेट नहीं, घर वाले मेरे को कोऑपरेट नहीं करते, लोग मतलब आप घटना जो हो रही है वातावरण में, जो भी हो रहा है वातावरण में घटना हो रही है, उसको आप ब्लेम कर सकते हैं, उसको दोष दे सकते हैं, या फिर अपने आप में बदल ला सकते हैं। जैसा हम अच्छा खाना खा सकते हैं ताकि हमारा पेट ना बिगड़े और अच्छा काम कर सके, रात को यदि मुझे दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब है, यदि मैं पेशेंट नहीं देख रहा हूं बराबर, मुझे नींद आ रही है, यदि मेरा परिणाम हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है कि मैं पेशेंट बराबर नहीं देख रहा हूं, ये काय का परिणाम है कि रात को मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया, रात को लेट सोया और नींद बराबर हुई नहीं, पेट खराब हो गया, इसके वजह से अभी मैं दिन में मेरी तबीयत खराब है। मतलब आज दिन में मुझे मेरी जो तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब होने का निर्णय या जो भी हुआ रेस्पॉन्स, वो मैंने रात में दिया और उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। तो हम मतलब वातावरण में एक तो उसको दोष दे सकते हैं, या फिर हमको चॉइस है, वो चॉइस से हम जी सकते हैं कि हम अच्छा खाना खा सकते हैं, जंक फूड खाना उसके बदले अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने हैबिट्स बदलो, लोगों को कोऑपरेशन मांगो, लोगों से काम करवा के लो, लोगों को रिक्वेस्ट करो, और अपना शब्दों को मान लो, ऑथेंटिकली प्रामाणिकता से काम करो, जो भी आपको करना है मतलब रोज एक्सरसाइज करो ताकि आप फिट रहे, तो वो रेस्पॉन्स मतलब वो इस तरह का जीवन जी सकते हैं और अच्छा हम आउटकम ले सकते हैं, मगर हम वो करेंगे, हम दोष देंगे वातावरण को, इवेंट रेस्पॉन्स के बारे में हम देखते नहीं, हम तो उंगली ऐसी उठाते रहते हैं। दूसरा एक है कि हमारे रेस्पॉन्सेस और काय के ऊपर निर्भर है, हमारे रेस्पॉन्सेस ब्रेन के ऊपर, मतलब कंडीशन रिफ्लेक्सेस मतलब प्रतिक्रिया, हमारा ब्रेन जो हमारा भेजा है, मस्तिष्क जो है वो कंटिन्यूअसली प्रतिक्रिया देते रहते, खट 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 ऐसी प्रतिक्रिया होती रहती है, बिना सोच समझे ब्रेन काम करते रहता है। कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस के लिए मैं आपको पैवलोव का सिद्धांत आपको बताऊंगा, जैसा उसने पैवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्तों के ऊपर, उसने बेल बजाई
और बेल बजाने से ही कुत्तों मतलब कुत्ते के मुंह से लार टपकना चालू हो गई। हालांकि बेल बजने से लार टपक के नहीं, मगर उसने उसको कंडीशनिंग किया कि बेल बजाया खाना दिया लार टपकी, बेल बजाया खाना दिया लार टपकी, बेल बजाया खाना दिया लार टपकी। कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि बेल बजाया लार टपक गई, ऑटोमेटिक हो गया। ऐसा हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, कंडीशनिंग हो चुकी है। तो हमारी कंडीशनिंग जो है, जो हम प्रतिक्रिया, ब्रेन अपना प्रतिक्रिया देते रहता है वातावरण को, खट 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 रेस्पॉन्स देते रहता है, उसको जो ऑल्टर करना है हमको, हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारे थॉट्स ऑल्टर करने पड़ेंगे, हमारे मूड्स एंड फीलिंग्स ऑल्टर करने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो थॉट्स बदलना है, तो मुझे घोषणा करना पड़ेगा मेरे स्पीच से, मेरी बातों से। वैसे थॉट तो ऑल्टर होंगे नहीं, विचार तो बदलते नहीं है, विचार हम तैयार भी नहीं कर सकते, विचार हम गायब भी नहीं कर सकते, मगर हम घोषणा के माध्यम से, डिक्लेरेशन के माध्यम से हम ब्रेन के ऊपर काम कर सकते हैं। हम वो घोषणा करेंगे, थिंकिंग करेंगे, स्पीच करेंगे, लैंग्वेज करेंगे उसको, और वो बातों में, कम्युनिकेशन में, संवाद में, वो बात बार 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 करके वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हैमर करेंगे और वो कंडीशनिंग जो है उसको हम ऑल्टर करेंगे। दूसरा, हम इमेजेस जो है वो अच्छी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इमेज से काम करता है, विजुअलाइजेशन से काम करता है। तो बार 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 विजुअलाइज करके, जो मतलब काल्पनिक चित्र तैयार करके, ब्रेन के ऊपर काम करते, ब्रेन के ऊपर काम करते करते उसको हम कंडीशनिंग है उसको ऑल्टर कर सकते। तीसरा, हमारे मूड्स एंड फीलिंग जो है, दिमाग हमारा शांत कर सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत कर सकते हैं, उसके लिए हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन उपचार है, मेडिटेशन है, वो हम करेंगे, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो पीसफुल कैसा रहे, गुस्सा ना करे, एंगर इरिटेशन ना है, उसके लिए फिर वो भी हम बाय मेडिटेशन, बाय हिप्नोटिज्म, क्योंकि हिप्नोटिज्म की जब बात आती है तो मैं एकदम बोलता हूँ कि बार 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 यदि आप हिप्नोटिज्म में, सेल्फ हिप्नोसिस में, स्वयं सूचना देके ब्रेन के ऊपर यदि बार 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 हैमरिंग करते हैं और उसका रिलैक्सेशन का कल्पना चित्र निर्माण करते हैं, तो ब्रेन ऑल्टर हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ऑल्टर हो सकता है, उसके लिए विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हैं और हमारी प्रतिक्रिया जो बदल सकते हैं। तो हमने यदि हमारी प्रतिक्रिया बदल दिया, घटना तो वातावरण में बहुत हो रही है, वैसी की वैसी हो रही है, घटना तो हम बदल नहीं सकते, हमारा रिस्पांस जो है, हमारी प्रतिक्रिया जो, उसको बदल सकते हैं। मैं एग्जांपल मतलब एग्जांपल के तौर पे मतलब एक बताता हूँ इंसिडेंट की, जैसा बहुत बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है, हाईवे पे खड़े हो आप, गाड़ी चला रहे हो और बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है, 1 किलोमीटर की लंबी कतार लगी हुई है, दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम है और कोई ट्रैफिक निकलने के कोई आसान मतलब ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। अभी एक ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक में एक ड्राइवर को पूछा कि भाई आपको क्या लग रहा है, तो वो ड्राइवर जो है वो बहुत गुस्सा कर रहा है, इरिटेटेड है, चिड़चिड़ापन आ रहा है उसमें कि अभी मेरा लेट पहुंचना होगा, अभी मैं कैसा करूँ, है ना, मुझे वो गाँव में जाना था, वहां मुझे रिपोर्टिंग करना था, वहां मेरी बहुत मीटिंग है, ऐसा कैसा हो सकता है, लोग मूर्ख है, अकल नहीं है, गाड़ी कैसे चला दे, ऐसा वैसा, वो बहुत गाली गलौज कर रहा है और बहुत इरिटेटेड है वो एक ड्राइवर। और दूसरा जो ड्राइवर पीछे 2-3 गाड़ियां छोड़ के दूसरे को पूछा, तो आपको क्या लग रहा है, उसने बोला ये ट्रैफिक जाम तो हो सकता है, मैं जब घर से निकला तो मैंने सोचा कि ट्रैफिक जाम समझो हो गया, तो भाई मेरे पास में कुछ ना कुछ सुनने के लिए, समझो मैं कैसेट सुन रहा हूँ, कोई गाने सुन रहा हूँ, या कोई मैंने थर्मास भी लिया है, मेरे पास में कॉफी भी है, मेरे पास में टिफिन भी है, मेरे पास में कुछ मैगजीन भी है, तो ट्रैफिक जाम है तो क्या हुआ, मैं मेरी ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ और मैं रिलैक्स, मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो इवेंट एक ही है, ट्रैफिक जाम, एक ड्राइवर बहुत ही चिड़चिड़ा है और दूसरा ड्राइवर बहुत ही शांत है, आउटकम हमारे ऊपर है, उसको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। घटना वही होती है, हमारा रिस्पॉन्स देखो, बड़ी फ्लैट सिस्टम है बहुत बड़ी, तो तीसरे मंजिल के ऊपर रहने वाला जो है उसके बच्चे को 50% मार्क मिले, तो वो घर में बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, उत्सव मना रहे कि 50% मार्क मिले, बोले बच्चों बच्चे पास हो गए, अपना पप्पू पास हो गए। और दूसरा जो फ्लैट है 5वें मंजिल के ऊपर, 50% मार्क मिले, तो वहां मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि 50% मार्क मिले ऐसा हुआ कैसे, हमको तो ऐसा लगता था कि 90% वाला हमारा बच्चा है, 50 कैसे मिले, और वहां मातम मना, मतलब मातम मना रहे लोग। तो ये हमारा रेस्पॉन्स कैसे, घटना हुई है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हमने ये देखना है कि हम हमारे रेस्पॉन्स को देखेंगे, प्रतिक्रिया देखेंगे, क्या हम हमको खुद को बाहर से देख सकते हैं,
लाइक इमेजिनिंग योर लाइक इमेजिन, आप कल्पना करो कि आप बाहर हो, अपने बॉडी के बाहर से आपको खुद देख रहे, जो भी हो रहा है, जो बॉडी रिएक्ट कर रही है, जो ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, जो एक्शन हम ले रहे, क्या आप बाहर से देख सकते हैं साक्षी भाव? क्या आप तटस्थ होकर देख सकते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर देख सकते हैं व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है? आप जब अपने आप को देखेंगे बाहर से साक्षी भाव से कि कैसा हम रिएक्शन दे रहे, कोई भी इसमें कैसी प्रतिक्रिया दे रहे, तो आप बहुत शांति महसूस करेंगे, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी कहां मैं गलती कर रहा हूं। तो होता क्या है कि कोई आदमी ने आपको बताया ना कुछ कि आपकी गलती क्या हो रही है, तो आपको गुस्सा आता है। किसने अपने को गलती बताया कि तुमने ये गलती किया, तुम ऐसे चिड़चिड़े हो, तुम्हारा दिमाग बहुत चिड़चिड़ा है, या तुम गुस्सा करते हो, तुमको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। मगर आप ये कि बाहर जाके अपने आप को देख रहे साक्षी भाव से, एक तो आप अपनी गलतियां निकाल सकते हैं नंबर एक, और नंबर दो आप जब साक्षी भाव से अपने आप को देख रहे, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएंगी, धीरे 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 फर्क पड़ेगा और आप शांति महसूस करना चालू करेंगे। तो भी आपको ये देखना है कि अच्छे परिणाम आपको चाहिए, सक्सेस चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने का है, तो आपको रेस्पॉन्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरी प्रतिक्रिया मतलब मेरी प्रतिक्रिया क्या है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बस ये मुझे बोलना है, विजय निश्चित है, सफलता आपकी निश्चित है, परिणाम आपके हाथ में है। इसके बारे में और बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, वहां आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे मेरा फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आप मुझे मतलब वो भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमारी वेबसाइट को भी आप ये करो मतलब शेयर मतलब उसको विजिट करो, देखो। मानसिक बीमारियों के ऊपर भी काफी सारी वीडियोस है, जानकारी है उसके ऊपर दी हुई, ताकि वो भी आप देख सकते हैं भाई मेरे रेस्पॉन्सेस कैसे आ रहे, और ज्यादा रेस्पॉन्स करने के बाद मानसिक बीमारी कैसी होती है वो भी आप देख सकेंगे। समूह का उपचार करके, हिप्नोटिज्म का, सेल्फ हिप्नोसिस का उपचार करके काफी सारा ऑल्टरेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं। सो हैव अ गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय।